हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे. सो माय नेम इज़ तृप्ति एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एन एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर सीखा था. अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, लिंक गिवन है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस, लास्ट वीडियो मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन पोजीशन वेक्टर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, दिस टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो लेक्चर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट द पोजिशन वैक्टर एंड आफ्टर वील डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर. ओके, सो वी आर रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन. लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पोजिशन वैक्टर. ओके, पोजिशन वैक्टर का सिंपल सा एक अगर आपको फीलिंग दिलाऊं कि पोजिशन वैक्टर क्या होता है, तो आप सोच लें कि आप एक प्लेन में खड़े हैं. प्लेन का मतलब क्या होता है कि आप टू डायमेंशन में हैं. ठीक है, एक्स एंड वाई में एक पार्टिकल है जो कि टू डायमेंशन में है, मीन्स एक्स में भी है और वाई में भी है. तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपने कोई पार्टिकल मान लिया, या आप ही मान लो आप खड़े हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आपने एक्स एंड वाई में, ठीक है, आपका जो पोजिशन है वो एक्स एंड वाई में कितना होगा, वो किस पॉइंट के थ्रू या किस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है, दे सकते हैं किसके थ्रू, यस, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ओरिजिन ये होता है एक्स एंड वाई का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम पॉइंट पी की पोजिशन को बता सकते हैं. ठीक है, तो हमने कहा कि हम ओरिजिन से एक्स जितना डिस्टेंस पर चले एक्स एक्सिस में, एंड वाई जितना डिस्टेंस चले वाई एक्सिस में, एंड देन पॉइंट पी पर पहुंच गए. ठीक है, ये तो हमारा जो वे है पॉइंट पी तक जाने का, वो ये है ओ टू हम ए गए, एंड ए टू पी, तो पी तक पहुंच गए, हम ओ के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं. अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो आप कहाँ से बताएंगे पी की पोजीशन को, आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना ही होगा. तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ ओ, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, एक्स वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज ओरिजिन. तो ओ से आप पी तक जाना चाहते हैं. अब अच्छा, ओ टू ए एंड ए टू पी, ये तो आपने बता लिया रास्ता एक्स एंड वाई डिस्टेंस में. बट अगर आप सिंपली कहें तो ओ टू पी भी तो एक रास्ता है ओ से पी तक जाने का, यहाँ इस रास्ते से ना जाकर यहाँ से भी तो आप जा सकते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एंड इसे आप आर से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से, आर वेक्टर से. ओके, दिस इज द आर वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर के टू कॉम्पोनेंट्स हुए एक्स एंड वाई में. ठीक है, एक्स के अलोंग एक्स आई एंड वाई के अलोंग वाई जे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई के, एंड वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे के. तो हम आर को, पोजिशन वेक्टर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, ओनली एक्स और ओनली वाई नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि ये आपको मैग्नीट्यूड देगा. ठीक है, ओनली एक्स क्या देगा, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ बताएगा ओ ए की, बट डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा. एंड आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन. तो पोजीशन वेक्टर जो है उसके आपको टू कॉम्बिनेशन मिलकर, टू कॉम्पोनेंट्स मिलकर एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए एक्स आई प्लस वाई जे. अब हम इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स आर मैग्नीट्यूड या आर मॉड इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा. अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए मैंने सिंपली कहा है कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन. सो यहां से आर कैप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ओके, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहां से एक्स आई प्लस वाई जे, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपको डायरेक्शन देगा एंड ये आपको मैग्नीट्यूड देगा. तो सिंपली आर वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा. ओके, क्लियर है. अच्छा, ये हुई पोजिशन वेक्टर की बात. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम एक्स वाई प्लेन में टू पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और ये आपका ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट नहीं दिए. अब ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट तो हम 0 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ना तो एक्स में चले आप ना तो वाई में. अब यहाँ पॉइंट पी पर पहुंच गए, तो एक्स में कितना डिस्टेंस चले आप एक्स. ठीक है, एंड वाई में कितना, तो वाई. सो पी के जो कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई होंगे. ओके, अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे आते हैं. ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी कहें. तो सिंपली हमने क्या किया, टू पॉइंट्स कंसिडर किए, पॉइंट पी, ये तो आपका पहले वाला पॉइंट है. ठीक है, या फिर आप कोई अदर पॉइंट ले लें, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू कंसिडर कर लिया. ओके, अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम मान लेते हैं इनिशियली टू पॉइंट्स हैं, तो हम एक्स वन एंड वाई वन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, मीन्स पॉइंट
पी का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसे हम आर वन कंसिडर कर लेते हैं। ओके ओके मीन्स आर वन के जो कॉम्पोनेंट्स हुए एक्स वन एज वेल एज वाई वन। ओके एंड पॉइंट क्यू के लिए क्या होगा, तो पॉइंट क्यू के लिए हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को आर टू कंसिडर कर लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हुए एक्स टू एंड वाई टू। मीन्स पॉइंट क्यू एक्स से एक्स टू जितना डिस्टेंस दूर है एंड वाई से वाई टू जितना डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी के पोजिशन कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लो। सो आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे एंड फॉर क्यू इज आर टू वैक्टर एक्स टू आई प्लस वाई टू जे। क्लियर है? अच्छा, अब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपका पी है एंड फाइनल पॉइंट क्या है, क्यू है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, सो यहां से आप एरो लगाना नहीं भूलना ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाए। ठीक है, ओ से आप पी जा रहे हो, मीन्स ओ टू पी डायरेक्शन क्या है पोजीशन वेक्टर की, ओ टू पी। यहाँ पर ओ टू क्यू डायरेक्शन है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है उसे हम डेल से डिनोट करते हैं, इसे हम डेल आर। ठीक है, डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डेल्टा है ना, डिफरेंस। तो हम डिस्प्लेसमेंट भी एक डिफरेंस ही ले रहे हैं बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सो डेल आर कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ से डेल आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने जो लास्ट वेक्टर लिया है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट माइनस पहले का पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, मीन्स आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन। अब आर टू एंड आर वन की वैल्यूज पुट कर दीजिए, अब तो कुछ नहीं है। आर वन आर टू की वैल्यू क्या हुई, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू जे। ओके सॉरी, वाई वन जे। अब हम एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर लेते हैं, मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप एंड प्लस वाई माइनस वाई वन जे केप। ओके, अब ये जो हुआ आपका ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे हम डेल एक्स से डिनोट कर देते हैं, डेल एक्स इंटू आई केप प्लस डेल वाई इंटू जे केप। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं आप, डेल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। ओके, एंड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डेल आर केप इज इक्वल्स टू डेल आर वैक्टर एंड डेल आर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैल्यूज अगर पुट करना चाहें तो पुट कर दीजिए, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। सो ये सिंपली आपके पोजिशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हुए। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने ओनली टू टॉपिक्स डिस्कस किए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि और भी अमेजिंग कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।